आप सभी को इस संध्या बेला में सोशल डेवलपमेंट फेडरेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से डॉक्टर आनंद को इस फेडरेशन का स्पेशल मेंबर के से मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस मधुर बेला पर और 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सोशल डेवलपमेंट फेडरेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से यह स्पेशल लेक्चर या स्पेशल व्याख्यान का कार्यक्रम, विशेष व्याख्यान का कार्यक्रम आप सभी तक सोशल डेवलपमेंट फेडरेशन के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक यह प्रसारित किया जा रहा है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हम सभी इस आज के इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस व्याख्यान, विशेष व्याख्यान से हम सभी ज्यादा लाभान्वित हों, इसके लिए हम सभी इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा हम सभी देखें और उसको अपनी जान पहचान के लोगों तक प्रसारित और प्रचारित कर सकें, ताकि योगा के जीवन को सुखमय और खुशहालमय बना सके। इसी क्रम में मैं बड़े ही आदर के साथ आज इस व्याख्यान के लिए हमारे बीच जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, विशेषज्ञ मौजूद हैं, योगाचार्य जितेंद्र प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ योग जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट से, सर सोशल डेवलपमेंट फेडरेशन की पूरी टीम आपका इस कार्यक्रम में सहर्ष स्वागत और अभिनंदन करती है और बड़े ही सम्मान के साथ हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आज के इस विशेष व्याख्यान का शुभारंभ करें। सर, सभी को सादर प्रणाम। सबसे पहले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी है सोशल डेवलपमेंट या अन्य लोग, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जीवन में स्वस्थ, सुखी एवं समृद्ध रहिए, यही मेरी कामना है। परम श्रद्धेय डॉक्टर आनंद जी और सम्माननीय हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं हमारे साथी, सबको सादर प्रणाम करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। अपने स्थान पर कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, आंखें कोमलता के साथ बंद, अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर, अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर धीमा लंबा गहरा श्वास लेना है और धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। प्रार्थना के उच्चारण पर ध्यान देंगे। ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वितविषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस शुभ अवसर पर, इस संध्या वेला में हम योग की शुरुआत करते हैं। मानव को मानवता के लिए जो योग का टाइटल है उससे हम चर्चा करते हैं। इस बार सरकार का जो टॉपिक है
जिसपे चर्चा किया गया है, मेन फोकस किया गया इस विषय पे चर्चा करना है, वह है मानवता के लिए योग, मानव को मानवता के लिए योग। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर देखें तो एक सेंटेंस है, लेकिन अगर इसको जीवन में उतारें पूरा जीवन बीत जाता है। मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग, दो शब्द पर चर्चा करते हैं। मानव यानी हम सब मनुष्य के लिए बात कही जा रही है। एक समाज में किस प्रकार से रहना है उसके बारे में चर्चा की जा रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं योग क्या है, योग किसे कहते हैं। योग प्राय अभी तक हम लोग यही जानते थे, कोई आसन कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है तो वही योग है, कोई व्यायाम कर रहा है तो वही योग है, यहीं तक हम लोग सीमित थे। और बल्कि योग विद्या अपनी बहुत ही प्राचीन है। और जब हम प्राचीन काल में योग विद्या को अपने जीवन में उपयोग करते थे, तो भारतीय लोग और यह मानव सुखी समृद्ध और स्वस्थ रहता था। जब से इस विद्या को हम भूलते गए तभी से दरिद्रता, दुख, अस्वस्थता, ये सारी समस्या हम सबके सामने आकर के खड़ी हुई। तो विषय प्रश्न उठता है कि योग क्या है, योग किसे कहेंगे। हम थोड़ा सा ग्रंथों की तरफ अगर बढ़ें तो योग विषय पर चर्चा की गई है। ग्रंथों में योग के बारे में बताया गया है। श्रीमद् भगवद् गीता में अगर देखें तो श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योग के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, समत्व ही योग है। अपने अंदर समानता की भावना लाना, समभाव लाना, वही योग है। समभाव कैसे, दुख पड़े तो रोना नहीं, सुख पड़े तो हंसना नहीं, पुरस्कार मिले तो नाचना नहीं, तिरस्कार मिले तो रोना नहीं, दोनों परिस्थितियों में अपने आप को समान रखना ही योग है। कहते हैं भैया ये तो बड़ा संभव है, भैया कहना तो संभव है लेकिन जीवन में उसका उपयोग करना संभव नहीं है। पूरा जीवन बीत जाता है फिर भी हम अपने जीवन में समानता की भावना नहीं ला पाते हैं। समानता की भावना सारी परिस्थितियों में समान रखना उसे कहा गया है। अगर अपनी भाषा में समझें तो इसे कहेंगे जो अपना कंट्रोल रिमोट है, अपने कंट्रोल रिमोट को अपने पास रखने की क्रिया ही योग है। वर्तमान समय में अभी देखिए मैं यहां बैठा हूं, कोई आकर के बोला, मुझे पुरस्कार मिला, बोला कि भैया आप तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मन में प्रसन्नता हुई और जब प्रसन्नता हुई हाँ सोचने लगे कि हाँ वास्तव में मैं बहुत अच्छा हूं, तभी लोग मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। एक पक्ष हुआ, दूसरे पक्ष पर अगर जाएंगे तो दूसरा पक्ष कोई आया बोला क्या बातें करते हैं, जब नहीं योग की बात करते हैं बहुत बेकार व्यक्ति है, बड़ा गंदा व्यक्ति है, सिर पे हाथ रख लेते हैं और सोचते रहते हैं वास्तव में मैं बहुत अच्छा हूं लेकिन लोगों का नजरिया ठीक नहीं है, और मन ही मन परेशान है। भैया शरीर अपनी है, मन अपना है, दूसरे के कहने पर क्यों आ रहे हैं। दूसरा व्यक्ति जिस तरह से मेरे साथ प्रतिक्रिया करता है उसी प्रकार से मेरी शरीर अब कार्य करती है, क्यों दूसरे के
पड़े हुए हैं। वो बोला ठीक है, आप भी ठीक हैं। वो बोला वो भी ठीक है। अपने आपका अपना मन क्यों खराब करें? अपने आप को समान रखना। बोले ना कि जो टीवी का बात है, वर्तमान समय में टीवी के बात जैसा अपना शरीर हो गया है। शरीर तो अपना है, लेकिन सामने वाला जो प्रतिक्रिया चाहता है उस तरह से काम करता है। अगर मुझे प्रसन्न देखना चाहता है तो मेरे बारे में थोड़ा अच्छा बोल देता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। परेशान करना चाहता है तो थोड़ा सा दो चार शब्द अपशब्द बोल देता है, मैं परेशान हो जाता हूं। अपना कंट्रोल रिमोट वर्तमान समय में दूसरे व्यक्ति को दे दिए हैं। जैसे टीवी का बॉक्स है, जिसके पास रिमोट रहता है, जो चैनल देखना चाहता है वही देखता है। न्यूज देखना चाहता है तो न्यूज देखता है, फिल्म देखना चाहता है तो फिल्म देखता है, कोई नाटक धारावाहिक देखना चाहता है तो देखता है। इसी प्रकार से आज हम कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना कंट्रोल रिमोट अपने पास रखने की जो क्रिया है ना, वो योग से आती है। दूसरा, दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में योगा कर्मश कौशलम की बात कही गई है। योग हम बीच में तकनीकी व्यवधान के कारण हम सभी इस कार्यक्रम का मुख्य व्याख्यान नहीं सुन पा रहे हैं। किसी कारणवश हमारे विशेषज्ञ इस कार्यक्रम से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जैसे ही उनका संपर्क होता है, पुनः हम आज इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम के तहत विशेष व्याख्यान के संदर्भ में हम सभी योग पर जो मुख्यतः उसकी जानकारी है हम सबको मिलेगी, उसको सुनने का अवसर हम सबको मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सोशल डेवलपमेंट फेडरेशन के द्वारा आयोजित विशेष व्याख्यान और इस व्याख्यान के विशेषज्ञ योगाचार्य जितेंद्र प्रताप सिंह, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ योग के जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी चित्रकूट, तकनीकी कारणों से वो इस विशेष व्याख्यान से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जैसे ही वो संपर्क में आते हैं, हम सभी इस अवसर पर आयोजित इस विशेष व्याख्यान का लाभ उठा सकेंगे।
साथियों, सोशल फेडरेशन, सोशल डेवलपमेंट फेडरेशन की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने बहुत ही धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को सुना और बीच में ही व्यवधान के कारण यह कार्यक्रम हम सभी नहीं सुन पा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आज के इस विशेष व्याख्यान के विशेषज्ञ इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। हम सभी पुनः उनके व्याख्यान से लाभप्रद होंगे। सोशल डेवलपमेंट फेडरेशन की ऑर्गेनाइजिंग टीम इस व्यवधान के लिए खेद व्यक्त करती है कि हम सभी इस कार्यक्रम को कंटिन्यूअस नहीं सुन पा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 21 जून 2022 आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस योग दिवस पर आयुष मंत्रालय की तरफ से दिया गया मोटिव लाइन मानवता के लिए योग, और इस अवसर पर आज की इस संध्या वेला में सोशल डेवलपमेंट फेडरेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से आयोजित यह कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के विशेषज्ञ योगाचार्य जितेंद्र प्रताप सिंह सहायक प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ योग जगत रामबद्धाचार्य का व्याख्यान चल रहा था, किन्हीं कारणवश तकनीकी व्यवधान के कारण यह व्याख्यान बीच में बाधित हुआ। हम सभी इस व्याख्यान को कंटिन्यूअस नहीं सुन पा रहे हैं, इसका मुझे खेद है। सोशल डेवलपमेंट फेडरेशन की ऑर्गेनाइजिंग टीम मैं क्षमा चाहता हूँ, नेटवर्क के कारण से। प्रताप सिंह नेटवर्क के कारण से थोड़ा सा असुविधा हुई हम सबको बीच में। तो हमारी चर्चा चल रही थी श्रीमद् भगवद गीता में जो बताया गया था, दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में योगा कर्मश कौशलम की बात कही गई है। योगा कर्मश कौशलम, योग करने से कर्मों में कुशलता आती है। दूसरे छठे अध्याय के 23वें श्लोक में बताया गया है, दुखों का भी योग ही योग है, जो दुख है उससे छुटकारा पाना योग है। दूसरे ग्रंथों की अगर बात करें तो दूसरे ग्रंथों में महर्षि पतंजलि अपने पातंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित करते हुए बताया है। समाधि पाद के दूसरे सूत्र में योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यहाँ पे चार शब्द हैं, चित्त वृत्ति निरोध और योग। चित्त यानी मन बुद्धि अहंकार को जब आपस में मिलाते हैं तो चित्त का निर्वाण होता है। वृत्ति यानी गोला, निरोध यानी रोकना। जैसे मन में कोई विचार आता है तो एक वृत्ति बना लेती है, थोड़ा साउंड कम करिए, तो एक वृत्ति बना लेती है। जैसे पानी में पत्थर मारते हैं ना
पानी में पत्थर गया, उसमें गिरा, गिरते ही उसने एक वृत्ति बना ली और वह वृत्ति चारों तरफ बना लेती। इसी प्रकार से मन में अगर कोई प्रश्न गया, कुछ गया, तो एक वृत्ति का निर्माण कर लेती है। और वृत्तियां पांच प्रकार की हैं, कुछ क्लिष्ट हैं, कुछ अक्लिष्ट हैं, जो बताया गया है योग सूत्र में, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, ये पांच प्रकार की वृत्ति हैं। और पांच प्रकार की वृत्ति घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं, तो इनको रोकना ही योग है। जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो व्यक्ति यानी दृष्टा अपने स्वरूप में आ जाता है। तो अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम्, यानी दृष्टा व्यक्ति अपने स्वरूप में आ जाता है, अपने आप को पहचानने लगता है कि मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं। जिस प्रकार से आप पानी देखते हैं, पानी में हलचल होता है, व्यक्ति अपने आप को नहीं और पानी नीचे की तली को नहीं देख पाते हैं, ठीक इसी प्रकार के मन में अगर हलचल हो रहा है तो व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचान पाता है, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं। और वही पानी अगर शांत हो जाता है, नीचे की तली को आप देख सकते हैं कि कंकर पत्थर कितने हैं, सबको आप गिन सकते हैं। इसी प्रकार से मन जब शांत हो जाता है तो व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता है कि मैं कौन हूं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किस लिए आया हूं, ये सारी चीजें होती हैं। और महर्षि पतंजलि ने ही अपने योग सूत्र के शामिल पाद में अष्टांग योग का वर्णन किया है। वह जो अष्टांग योग है मानव के लिए है, मानवता के लिए है, और समाज का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस अष्टांग योग का अपने जीवन में पालन करे, समाज का व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, सारे लोग सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन वर्तमान समय में आसन को, प्राणायाम को अपने जीवन में लोग उतारते हैं, लेकिन उसके पहले के जो अंग हैं उसको नहीं उतारते हैं। जो अष्टांग योग है उसके आठ अंग हैं। पहला है यम, नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। ये जो अष्टांग योग है मानव के लिए है, और मानव ही योग को अपने जीवन में पालन कर सकता है। बाकी समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति योग को अपने जीवन में नहीं पालन कर सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि अष्टांग योग है क्या। पांच जो यम हैं वो समाज के लिए बनाए गए हैं। प्राचीन काल में गुरुकुल में व्यक्ति पढ़ने जाता था, सबसे पहले उसको योग विद्या सिखाई जाती थी, और वह योग विद्या में अष्टांग योग सिखाया जाता था। बच्चा बचपन से ही अष्टांग योग जब पढ़ता था, अपने जीवन में उतारता था, समाज में न तो चोरी होती थी, न तो हिंसा होता था, सारे लोग सुखी रहते थे, न तो कहीं बलात्कार होता था, न तो कहीं कोई सुसाइड करता था। इस संपन्नता चारों प्रकार, हर प्रकार से व्यक्ति संपन्न था। जब से हम योग विद्या को भूलते गए तो व्यक्ति चोरी को ही अपना जीवन का ध्येय मान लिया, हिंसा को ही अपने जीवन का ध्येय मान लिया, अपरिग्रह को अपने जीवन का ध्येय मान लिया, और इसी को ध्येय माने करके आज कार्य कर रहे हैं। पेपर उठाएंगे, पढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगा, भाई ने भाई को मार दिया, यहाँ पे हिंसा हुआ, इसने इसका बलात्कार कर लिया, यहाँ पे इनके यहाँ सीबीआई ने छापा मारा, इनकम टैक्स ने छापा मारा, इतनी संपत्ति पकड़ी गई, क्या है ये सब। हम अपने जीवन में योग को भूलते गए, तभी ये सारी चीजें कर रहे हैं। जो पांच यम है, नंबर एक है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये जो पांच यम है समाज के पालन के लिए बनाए गए हैं। समाज का व्यक्ति अगर अपने जीवन में इसका पालन करे, समाज का प्रत्येक व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा, सारे लोग सुखी रहेंगे,
समृद्ध रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब बताइए, समाज का प्रत्येक व्यक्ति अगर अहिंसा का पालन करे, किसी को कोई कष्ट हो सकता है क्या? नहीं होगा। अहिंसा यानी किसी की हिंसा न करना। प्रत्येक प्राणी, मानव की ये बात नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक प्राणी, जीव, पेड़ पौधे, इन सबकी रक्षा करना, हिंसा नहीं करना। किसी के बारे में हिंसा के बारे में सोचना भी नहीं है, न तो शारीरिक हिंसा करना, न तो मानसिक हिंसा करना। तो इस समाज में, इस प्रकृति में सबका रहने का समान अधिकार है। दूसरा, सत्य। सत्य यानी किसी झूठ न बोलना। झूठ जो हम देख रहे हैं सामने, उसी को बोलना है। तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति अगर अहिंसा का पालन करे, सत्य का पालन करे, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन भैया, सत्य बोलने का भी अपना एक तरीका होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण बता रहे हैं हम, एक राजा थे, ज्योति को बुलाए, बोले मेरी कुंडली निकालो, मेरी कुंडली में क्या दिया गया है। निकाले ज्योति जी, बोले महाराज आपकी कुंडली में तो बड़ा कष्ट है। बोले क्या हुआ? बोले आप के सामने कई पीढ़ियां जन्म लेगी और आप मरते हुए भी अपनी आंखों से देखेंगे, जीवन का तो सबसे बड़ा कष्ट तो यही है। बोले अच्छा, मुझे कष्ट होगा, इसको ले जाके कारागार में डाल दीजिए। बेचारे कारागार में डाल दिए। जो दूसरे ज्योति को बुलाते हैं तो निकालता है, देख ठीक वही चीज था। बोला राजा साहब आप बहुत महान हैं, इस पृथ्वी पे आप जैसा महान व्यक्ति आज तक जन्म नहीं लिया। बोले क्या हुआ? बोले आपके सामने एक बहुत बड़ा परिवार होगा और आपको अपने पुत्र को जन्म लेते हुए देखेंगे, पुत्र के पुत्र को जन्म लेते हुए देखेंगे। बहुत सौभाग्यशाली लोग ही ऐसा देख पाते हैं। राजा साहब इतना प्रसन्न हुए, काफी सारा उपहार दिए। दोनों एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन कहने का तरीका अपना सही होना चाहिए। सही बोलना, लेकिन सही बोलने का तरीका मालूम होना चाहिए। तीसरा है अत्य। अत्य यानी चोरी ना करना। चोरी, किसी की वस्तु को की चोरी ना करना, किसी के विचारों की चोरी नहीं करना। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी जितनी आवश्यकता है हमको सामग्री की, उतना ही रखना, उससे ज्यादा सामग्री नहीं रखना चाहिए। अब बात बताइए, बैठ करके कभी आप सोचिए, चिंतन करिए, समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इन पांच नियम का पालन करता है, कभी को कोई किसी को कष्ट होगा क्या? नहीं हो सकता है। और ये पांच नियम समाज के लिए बनाए गए हैं, समाज का ताना बाना ठीक रहे उसके लिए बनाए गए हैं। आज हम आवश्यकता से अधिक संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं, जो भी पाते हैं लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, उपयोग में नहीं है। हमें आवश्यकता है दो कपड़े, तीन कपड़े की, घर में अलमारी में देखिए 100, 50 सेट, 20 सेट, 10 सेट कपड़ा रखा हुआ है। पहनने की जरूरत है एक जूता, दो जूते, लेकिन पांच पांच से छह छह जूते की रखे हुए हैं, क्या जरूरत है इनकी? और अपने देश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपरिग्रह का सबसे बड़ा उदाहरण। इतने बड़े पद पे रहे, लेकिन उनका जीवन देखिए, एक योगी का जीवन था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। चाहते तो बहुत बड़ी संपत्ति, बहुत बड़ा साम्राज्य बना सकते थे, लेकिन नहीं, कोई अपरिग्रह की लालच ही नहीं थी। एक योगिक जीवन उन्होंने अपने पूरा जीवन बिताया,
बहुत सारे स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद हुए, लेकिन कोई अपरिग्रह नहीं किए। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, पांच जो नियम बताए गए हैं, पांच जो नियम हैं वो व्यक्तिगत पालन के लिए हैं। पांच नियम का अगर हम पालन करते हैं अपने जीवन में तो हम कभी परेशान नहीं हो सकते, कभी दुखी नहीं हो सकते, कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता है। पहला है शौच, शौच यानी सफाई करना, वह सफाई शरीर के ऊपर की सफाई और मन दोनों प्रकार से करना, किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं है। दूसरा है संतोष, जो कुछ है अपने पास उसी में संतोष रखना। एक होती है इच्छा, एक होती है आवश्यकता। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है, लेकिन इच्छा की पूर्ति किसी की आज तक नहीं हुई। आवश्यकता है कपड़ा पहनने की, कपड़ा गए ले लिए, कपड़ा आवश्यकता पूरी हो गई, लेकिन इच्छा बोलेगी कहा भैया कहाँ, कौन सा कपड़ा है, कौन सा ब्रांड है, ब्रांडेड पहनेंगे। अभी आवश्यकता है साधन की, कहीं जाने की, बस पकड़ के चले गए, लेकिन इच्छा बोलेगी कि अपनी गाड़ी होनी चाहिए, अपनी गाड़ी हो गई, कौन सी गाड़ी है, कौन सा नया मॉडल है। इच्छा बढ़ती जाती है, इच्छा कभी किसी की पूरी नहीं होती है। तो अभी हमको आवश्यकता की पूर्ति करना है, इच्छा की पूर्ति कभी होती नहीं। तब जीवन में थोड़ा सा कष्ट होता है तो हम छोड़ के भाग जाते हैं, कष्ट हो फिर भी हम अपने कार्य को सफलतापूर्वक करते रहें, वही तप है, स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, अच्छे अच्छे ज्ञान लेना, वही स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान, इतना सब कुछ होने के पश्चात सब कुछ ईश्वर के प्रति समर्पित करना, वही ईश्वर परिधान है। ये पांच यम, पांच नियम का अगर पालन करें तो बताइए कभी किसी को कष्ट होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन इन पांच यम, पांच नियम को वर्तमान समय में भूल गए हैं। आसन का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, फिर परेशान होते हैं, और जब परेशान होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी योग प्रशिक्षक के पास जाते हैं, मुझे योग सीखना है। भैया तब सीखने से कुछ नहीं होगा, कबीरदास जी कहे हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होए। उसी प्रकार से सुख में योगा सब करें, दुख में योगा सब करें, सुख में करें ना कोई, जो सुख में योगा करे दुख काहे का हो। व्यक्ति अगर सुख ही रहते हुए जब कोई रोग नहीं है, परेशान नहीं है, उस समय अगर योग का अपने जीवन में पालन करे तो दुखी नहीं हो सकता है, और जब दुखी हो जाता है तब योग की शरण में आता है, भैया बताइए कुछ, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा बैक पेन है, मैं डिप्रेशन में हूं, मुझे ठीक करिए, तब कैसे कल्याण होगा। उसके पहले ही हमको करना, और बहुत सारे ऐसे योग साधक हैं जो आसन का अभ्यास करते हैं, फोन करते हैं, भैया सर मैं आसन करता हूँ, प्राणायाम नित्य प्रतिदिन करता हूँ, फिर भी मैं परेशान रहता हूँ। भैया परेशान होने का कारण यही है कि आप अपने जीवन में आसन का अभ्यास कर रहे हो लेकिन यम नियम को छोड़ दे रहे हो। आसन का अभ्यास करने से पहले अपने जीवन में यम नियम का आप आसन का अभ्यास करिए, तब आप जो है आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं, फायदा नहीं मिलेगा, नुकसान मिलेगा। आसन का जो परिभाषा है वर्तमान समय में लोग इसी को भी नए तरीके से पेश करते हैं, शरीर को तोड़ना, शरीर को मरोड़ना ही आसन की परिभाषा समझते हैं। नहीं, शरीर को तोड़ना, शरीर को मरोड़ना आसन नहीं है। शरीर आसन की जो परिभाषा योग सूत्र में बताई गई है, स्थिरम सुखम आसनम, शरीर स्थिर होने के साथ मन स्थिर हो आसन वह है। शारीरिक सुख मिलने के साथ मानसिक सुख मिले
आसन उसे कहा जाता है, यहीं पे बैठे हुए हैं, एक स्थिति में बैठे हुए हैं, शारीरिक सुख मिल रहा है, उसके साथ मानसिक सुख मिल रहा है, जहां शरीर है वहीं मन को रखते हैं, उसे आसन कहते हैं, ना कि शरीर को तोड़ना आसन है। आसन में जब दृढ़ता आ जाती है तब हमको प्राणायाम की तरफ पढ़ना चाहिए। प्राणायाम यानी प्राण का आयाम, अपने प्राण वायु का विस्तार करना। आसन करते हैं, शरीर ऊपर से मजबूत होती है, लेकिन शरीर को अंदर से मजबूती लाने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जिससे प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचता है। लेकिन प्राणायाम करने के पूर्व कुछ बातों पर ध्यान बताया गया अपने ग्रंथों में। हट प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी ने बताया है, कथा सने दृढ़ योगी वसी हिता मितासीना गुरु प्रतिष्ठ मार्गेणा प्राणायाम आशमाचरे। प्राणायाम करने से पहले चार चीजों पे नियंत्रण होना चाहिए। नंबर एक, आसन में दृढ़ता होनी चाहिए, एक आसन में लंबे समय तक बैठने का अभ्यास होना चाहिए, मिताहार भोजन होना चाहिए, इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए, गुरु का निर्देश। अगर कोई भी अभ्यास कर रहे हैं बिना गुरु के, यानी अच्छे एवं कुशल योग प्रशिक्षक के निर्देश में सीखना है, और सीखने के बाद उसी को ध्यान में रखते हुए आगे अभ्यास करना चाहिए। ये है। और प्राणायाम का अभ्यास जब चार चीजों में निपुणता आ जाए तो प्राणायाम का अभ्यास करना। प्राणायाम में अगर तीन अंग बताए गए हैं, पूरक, रेचक और कुंभक, कुंभक का प्रारंभ में अभ्यास नहीं करना। पूरक यानी श्वास लेना, कुंभक यानी श्वास रोकना, रेचक यानी श्वास को छोड़ना। कुंभक का अभ्यास शुरू में नहीं करना। पूरक रेचक जब अच्छा होने लगे तब हमको प्राणायाम कुंभक की तरफ बढ़ना। कुंभक लगाने से पहले किसी एक किसी योग प्रशिक्षक से, किसी अपने एक योग गुरु से सलाह लेकर के तब हमको अभ्यास करना। प्रत्याहार यानी इंद्रियों का जो आहार है उसको रोकना, बिना इंद्रियों के आहार को रोकना आगे नहीं बढ़ना। इंद्रियों पांच ज्ञानेंद्रिय हैं, पांच कर्मेंद्रिय हैं, अपने मन को अपने शरीर को स्थिर रखना, केंद्रित करना, उसे प्रत्याहार धारणा। किसी एक बिंदु पर ध्यान लगा रहे हैं तो उसको बार बार छूट जा रहा है, फिर ला रहे हैं, फिर छूट जा रहा है, फिर ला रहे हैं, तो उसको एक जगह पे फिर लगाना, फिर छूट जा रहा, फिर लगाना, उसे धारणा कहते हैं। वही धारणा जब ध्यान में एक जगह ध्यान स्थिर हो जाता है तो उसे ध्यान कहा जाता है। ध्यान में जब लीन हो जाते हैं तो उसी को समाधि कहते हैं। इस अष्टांग योग को समाज में रहने वाला व्यक्ति अगर अपने जीवन में पालन करता है, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यही अष्टांग योग का अगर पालन करें, मानवता के लिए योग यही है। आसन करना, प्राणायाम करना मानवता के लिए योग नहीं है, वो स्वयं के लिए योग है। आसन प्राणायाम स्वयं के लिए है योग, लेकिन मानवता के लिए अगर योग का पालन करना है, अपने जीवन में यम को का पालन करना है, नियम का पालन करना है, और बिना यम नियम का पालन किए आसन की तरफ हमको नहीं बढ़ना है। हम आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आप सबका उत्तर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद जी का और सामाजिक सोशल डेवलपमेंट संस्था का कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया इस योग दिवस के शुभ अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ से हम समापन करते हैं। अपने स्थान पे कमर गर्दन सीधी करके बैठना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। धन्यवाद डॉक्टर आनंद जी।